हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ पीरियड पैंटी के बारे में, जो कि कुछ इस टाइप से मुझे रिसीव हुई थी। मैंने एक हॉल शेयर किया था, मैंने ये पीरियड पैंटी परचेज की है। एंड ये पीरियड पैंटी ऐसी है कि बिना पैड, बिना मेंस्ट्रुअल कप या बिना टैम्पन के इसको यूज करना होता है। आज की वीडियो में इसके बारे में काफी कुछ बताने वाली हूँ। अगर आप सोच रहे हो इसको यूज करना है, इसको परचेज करना है कि नहीं करना है, वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है मुझे कुछ इस टाइप से रिसीव हुआ था, इस टाइप के कार्डबोर्ड बॉक्स में। तो इसके ऊपर जो डिटेल लिखी है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है हेल्थ फैब द फैबुलस यू, गो पैड फ्री एंड होल्ड्स अप टू 5 सैनिटरी पैड वर्थ ऑफ मेंस्ट्रुअल कप। ठीक है, 5 सैनिटरी पैड के बराबर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, होल्ड कर लेता है। एंड इसकी जो एमआरपी मेंशन की गई है दैट इज 2099 रुपीज, बट ये जो है मुझे 1150 रुपीज में पड़ गया था। एंड और ये मार्केटेड की डिटेल यहाँ पे दी गई है, इन केस अगर आपको रीड करना है देन आप रीड कर सकते हो। एंड बैक साइड यहाँ पे दिया गया है दीज मैजिकल पैंटीज होल्ड योर फ्लो एंड कीप यू फीलिंग ड्राई, सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपको ड्राई फील कराएगी, सिक्योर टाइप प्रोटेक्शन रहेगा इसमें। गो पैड फ्री इज मेड विथ हाई क्वालिटी कॉटन फैब्रिक अलोंग विथ स्पैंडेक्स माइक्रोफाइबर एंड सम ब्रीदेबल लीक प्रूफ टैग दैट इंश्योर कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। आप सैनिटरी पैड यूज करते हो उसकी जगह ये पैंटी आप यूज करोगे, 2 साल तक आप इसको यूज कर सकते हो। एंटी ओडर है, रियूजेबल है, आप इसको दोबारा यूज कर सकते हो, वॉश करके वापिस आप यूज करो। सेफ ऑन हेल्थ, इको फ्रेंडली, टेंशन फ्री, सर्टिफाइड मटेरियल। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो बॉक्स के ऊपर जो लिखा है वो मैंने आपको बता दिया है। एंड साथ में मुझे इसके साथ छोटा सा मैनुअल टाइप का कहा जा सकता है वो मिला हुआ था, नोट टाइप। एंड इसमें मीन्स इंस्ट्रक्शन दिया गया है यूज करने का। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसको वेयर करने से पहले, इस पैंटी को वेयर करने से पहले आपका जो एरिया है वो ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड ये जो है वाटर को होल्ड करने के लिए नहीं बनाया गया, मीन्स टॉयलेट वगैरह नहीं करना है इसको पहन के। समझ में आया कि आप सोचो कि ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आई नो यार इतना तो सेंस होता है, ठीक है, बट स्टिल इसमें जो लिखा था वो मैंने बात बता दी है। तो कुछ इस टाइप से मुझे पैंटी रिसीव हुई थी और ये डबल एक्सल साइज, आई थिंक एक्सल साइज में है, जो कि मेरे लिए नहीं है, बट मैंने इसको स्टिच करके यूज किया। एंड स्टार्टिंग में मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। कंफर्टेबल है ये, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, आपको फील नहीं होगा दैट कोई अलग सी चीजें लगाई हुई हैं आपने, नॉर्मल था। बट स्टार्टिंग से तो थोड़ा सा डर लगा था, बिकॉज बिना पैड के, बिना मेंस्ट्रुअल कप के, बिना टैम्पन के कोई चीज यूज कर रही थी, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में डर था। और मैं कहीं बाहर नहीं गई इसको वियर करके, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज करी हूं तो रिस्क लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, और इसको जो है मैंने अपने हैवी फ्लो टाइम पे यूज किया था। एब्जॉर्बेंसी अच्छी है, बट जो क्लॉट होते हैं ना थोड़े बहुत, जो जली जली काइंड के जो गिरते हैं, तो वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, तो वो चीज थोड़ी सी बेकार सी लग रही थी। और इनका एक क्लेम है कि ये ओडर होने नहीं देता, बदबू नहीं होने देता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था। थोड़ी बहुत बदबू सी मुझे फील हुई थी, बट मैं ज्यादा लॉन्ग मैंने इसको यूज नहीं किया था, नॉर्मली 2 से 3 घंटे तक मैंने बस इसको वियर किया। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस ठीक था, सही था, मीन्स स्टार्टिंग में डर लग रहा था, बट धीरे धीरे हाँ एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई लीकेज नहीं हो रही है, तो सही लग रहा था। ठीक है, जब वॉश करने की बारी आई सारी चीज ठीक थी, क्लॉट थोड़ा सा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, बट जब इसको वॉश करने की बारी आई तो आई हेट दिस यार, मुझे बहुत ज्यादा मतलब बेकार लगा था। क्योंकि जब मैंने सैनिटरी पैड को परचेज जब मैं कर रही थी ना, सामने बार बार ये दिख रहा था, जब भी मैं, क्योंकि मैं ज्यादातर जो है पीरियड रिलेटेड प्रोडक्ट ही परचेज करती हूँ, तो मेरे सामने ये बार बार ये पैंटी आ रही थी। मैं इसको परचेज नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे मालूम था इसके नेगेटिव पॉइंट, मुझे पहले से मालूम थे कि क्या क्या इसके नेगेटिव पॉइंट रहने वाले हैं मेरे लिए, तो मैं नहीं करना चाहती थी। बट इसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, कि हो सकता है कि जो व्यूअर्स हो अगर उनका मन कर रहा है इसको परचेस करने का, तो एटलीस्ट मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगी। अगर वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो वर्थ है कि नहीं है वो भी जान पाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये इसीलिए परचेस किया बिकॉज इट इज माई जॉब, ताकि मैं आपको इन सारी चीजों से अवेयर कर पाऊं। सबसे पहले तो देखिए इस पैंटी का जो कलर है दैट इज ब्लैक, और मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती आई हूँ कभी भी पीरियड टाइम पे हमेशा जो है लाइट कलर की पैंटी यूज करनी चाहिए, बिकॉज उसमें स्टेन लगेगा, दाग लगेगा, आपको समझ में आएगा उसको कितना वॉश करना है, कितनी देर तक वॉश करना है, कितना टाइम लगेगा उसको, आप वॉश करोगे हटाने की कोशिश करोगे। ठीक है, ब्लैक कलर में तो सबसे पहले समझ नहीं आ रहा था, वॉश करी थी तो ब्लड तो बाहर आ ही रहा था तो कुछ कुछ जो है इसके अंदर ही रह जा रहे थे, पूरी तरीके से तो बाहर आने नहीं है मुझे मालूम है।
पूरी तरीके से तो आ ही नहीं रहा था बाहर, और बार बार मैं वॉश करती गई, एटलीस्ट 5 से 6 घंटे मैंने इसके ऊपर लगाए हैं, इसको वॉश करने के ऊपर 1 घंटे रखे गीले होने के लिए, तो बहुत ज्यादा मुझे टाइम लगा। मैंने बहुत सारी चीजें की इसको वॉश करने के लिए, और इसके ऊपर तो सबसे पहले स्टेन तो दिख नहीं रहा, मालूम नहीं कितनी देर तक वॉश कर रहे हैं। और मान के चलो अपन वॉश भी करते हैं नॉर्मली, अगर अच्छे से अपन ने वॉश नहीं किया इन केस, क्योंकि समझ तो आ नहीं रहा है ब्लैक कलर में कहाँ पे स्टेन लगा है, कहाँ से कितना हटाना है, तो फिर क्या होगा ना कि बैक्टीरिया इकट्ठा होंगे, जो कि आप अगर नेक्स्ट टाइम यूज करोगे तो वो बैक्टीरिया जो है आपके वेजाइना के अंदर जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम आपने यूज किया, फिर आपने नॉर्मली ज्यादा अच्छे से वॉश नहीं किया, एंड देन उसके बाद फिर आप यूज करो, तो ये तो और ही ज्यादा आई थिंक उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है, अगर ये पैंटी ना, कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, कंसेप्ट मुझे पसंद है, बट इनको क्या करना था ना, ये जो ब्लैक कलर है इसके जगह दूसरा कलर इनको बनाना था, इवन पिंक में बना देते, व्हाइट में बना देते, ऑरेंज में बना देते, तो कम से कम समझ तो आता ना कि कितना ब्लड लगा है, स्टेन रिमूव करना है इसमें। अगर मेरे बता रही हूं ना, इसमें अगर स्टेन लगा भी है ना, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। नेगेटिव पॉइंट है गाइस, मैं नहीं रिकमेंड करूंगी आपको 1% भी कि आप इसके लिए जाओ, बिल्कुल नहीं। एंड अगर आपको लग रहा है आपको परचेज करना है, आई हैव वन मोर, तो आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास वो रखा हुआ है। बाय चांस धोखे से मैंने जो है ना एक और मंगा लिया था और मैं रिटर्न नहीं कर पाई थी। अगर आपको परचेज करना होगा तो आप प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपको लेस प्राइस में जो है वो मैं दे दूंगी, बिकॉज रखा है कोई सेंस नहीं बनेगा। एक मैंने यूज कर लिया, अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। रिकमेंडेशन को लेके बात करूं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, ओवरऑल क्वालिटी जो थी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है, एंड मेरे साइज वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, जिसकी साइज मेरे जैसे है तो बिल्कुल नहीं। मेरी जो वेस्ट है, कमर साइज जो है वो 28 है, ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा लंबी है, स्टिच करवाना पड़ा, थोड़ा साइड से मैंने किया था खुद घर पे, एंड उसके बाद मैंने इसको वियर करा। सारी चीज ठीक थी, कंफर्टेबल भी लग रहा था, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अजीब लगा, बट जब वॉश करने की बारी आई तो मैंने सारे नेगेटिव पॉइंट आपको बता दिए हैं। इको फ्रेंडली है, मैं कह सकती हूँ हाँ इको फ्रेंडली है, बट आप इको फ्रेंडली के चक्कर में दिमाग में रखते हुए अगर आप इस कलर में ये वाली पैंटी लोगे, यही कलर अवेलेबल है, एक ही है, ऐसा नहीं कि और भी कलर है, अगर ये लोगे ना तो आपके रिस्क बोल रही हूँ, आपके हेल्थ पे रिस्क है, समझ रहे हो। अगर ये पैंटी आपने यूज की, अगर आपके वजाना एरिया में बैक्टीरिया चले गए, आगे जाके इश्यू होगी, ठीक है, तो वो चीज ना हो, बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे अलग अलग हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो सकती हैं, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करने वाली हूं। आप इसकी जगह पता है कहां जा सकते हो, आप एक वो आता है क्लॉथ वाले भी सैनिटरी पैड आते हैं, तो वो आप वो यूज करिए, क्लॉथ या कहा जाए हाँ क्लॉथ वाले आते हैं, आप वो यूज कर लो, क्योंकि वो लाइट इन कलर आते हैं, तो आप स्टेन लगा होता है तो आप उसको अच्छे से वॉश कर सकते हो। अगर आप इको फ्रेंडली वे में मीन्स जाना चाहते हो, अगर इको फ्रेंडली पीरियड अपना बनाना चाहते हो, तो उसमें इन्वेस्ट करिए, इसमें नहीं। इसकी प्राइस 1150 रुपीज है, प्राइस तो अलग कर लो, सबसे पहले डीमेरिट जो है वो बहुत बड़ा डीमेरिट है, आपके हेल्थ के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। आई डोंट नो अबाउट अदर यूट्यूबर्स, ठीक है, उनने सजेस्ट किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम। मैं कभी भी कोई भी वीडियो शेयर करती हूँ तो मैं किसी और की वीडियो देख के तो बिल्कुल शेयर नहीं करती, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपना पर्सनल पॉइंट नोट किया, वही सारी चीजें जो है मैं आपको बताती हूँ, तो मैं नहीं रिकमेंड करने वाली हूँ कि आप इसके लिए जाओ, ब्लैक इन कलर है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। स्टिल अगर आपको ट्राई करना है, इट्स टोटली अप टू यू। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इवन मेरे पास भी एक है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे, इंस्टा की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, अगर कोई डाउट रहता है प्लीज पूछ लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।